कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया, पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 FIRें पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई तो जो साजिशकर्ता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य PFI या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके, जो इसमें पीछे रहे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने, हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से CCTV फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे, वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं, उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है, सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक बेसिस दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।